दिल मेरे जगा तू, जरा सा अपना ले बना ना, तू जाने कैसा है मौसम, कोई न जाने इसी वजह को तेरा इंतजार आज भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरे वीडियो कौन से शहर, कौन से देश, कौन से गांव से देख रहे हो और आपके साउंड सिस्टम का नाम क्या है और आप साउंड सिस्टम का कार्य कितने सालों से कर रहे हो, या आप कोई सिंगर हो तो आप सिंगिंग कितने टाइम से कर रहे हो, आपके साथ भी माइक को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, और आप मेरा वीडियो टाइटल थंबनेल देख के आए हो कि आपको एक अच्छे माइक्रोफोन की तलाश है, बजट वाले माइक्रोफोन की तलाश है, और उसके अलावा इस माइक्रोफोन का प्राइस क्या है, ये आपके घर तक कैसे अवेलेबल होगा और इस पर आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं लिए स्टार्ट करता आज का वीडियो, सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, लेट्स स्टार्ट दिस अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जल्दी से हम इस माइक्रोफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये आप जैसा देख सकते हो, ये इसका बॉक्स है और यहाँ पर आपको इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा CSH M10। JBL कंपनी का माइक्रोफोन है, JBL हरमन का, कॉमर्शियल हरमन लिखा हुआ है। और वैसे आपको पता है माइक्रोफोन का जो असेंबलिंग है वो AKG के पास है, तो आप जैसे देख सकते हो AKG JBL CSH M10 इस माइक्रोफोन का मॉडल नंबर है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्राइस आप देख सकते हो 2650 रुपये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और यहाँ पे नीचे आपको कुछ इसके बारकोड्स और देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इसका एक 5% ऑफ का कूपन कोड देखने को मिलेगा। ये आपको डिस्काउंट जब मिलेगा, जब आप JBL की मेन वेबसाइट पे जाके और कोई माइक्रोफोन परचेज करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोड लिखा हो जो मैंने हाइड किया हुआ है, तो ये आपको एक ये मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मैनुअल मिलेगा कि आपको माइक्रोफोन के अंदर लीड को कैसे लगाना है, ये इसका पूरा मैनुअल सारी जानकारी दी हुई है। और विशेष इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं आता, बस यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर चूजिंग JBL। JBL से कौन कौन प्यार करता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अपना माइक्रोफोन है जो आप देख लीजिए, यहाँ पे JBL कॉमर्शियल लिखा हुआ है, और उसके अलावा इसका ऑन ऑफ का स्विच है, बहुत छोटा सा है, ये आपने ऑन कर लिया, ऑफ कर दिया। ये इसका ग्रिल है ऊपर का, और ये यहाँ पे इसका नीचे का पार्ट है जहाँ पे आपको अपना XLR केबल लगाना है, XLR फीमेल वाला। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अब हम उसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। गाइज ये जो माइक्रोफोन है ये आपके कहाँ कहाँ यूज़ आएगा तो मैं बता दूँ। अगर आप कोई साउंड सिस्टम का कार्य करते हो, आप कोई सिंगर हो, मेल सिंगर हो, आप कोई फीमेल सिंगर हो, आप कराओके पे सिंगिंग करते हो, या फिर आप कोई पॉडकास्टिंग करते हो, या आप गेमिंग करते हो, और अगर आपको डायनेमिक माइक्रोफोन की तलाश है तो ये JBL का माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि बजट वाला माइक्रोफोन है। प्राइस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप कोई इंस्टाग्राम रील बनाते हो, आप कोई फेसबुक रील बनाते हो, आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, उसके अलावा आप कोई सिंगर हो और आपको अपना एक सेपरेट पर्सनल माइक्रोफोन चाहिए अच्छी कंपनी का, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है आप कोई प्रोग्राम में जाते हो तो जो साउंड वाला भाई आपको माइक्रोफोन देता है वो आपके वॉइस के साथ में कभी कभी मैच नहीं होता, तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी आपकी आवाज़ फटी हुई आती है, कभी माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा विसल मारता है और आप उस साउंड वाले को बोलते रहते हो भैया बढ़ाओ वो बढ़ाओ, तो वो भी कितना बढ़ाएगा। कभी कभी आपकी आवाज़ ही ऐसी होती है, क्योंकि हर बंदे की आवाज़, हर फीमेल हर मेल की आवाज़ एक जैसी नहीं होती। अगर मैं जैसे मेल सिंगर हूँ तो मेरी आवाज़ में अगर बेस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास माइक्रोफोन भी अगर बेस वाला मुझे मिल गया, सपोज मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और मुझे बेस वाला माइक्रोफोन, मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी जिसमें ज़्यादा होती है वो वाला माइक्रोफोन मुझे मिल गया, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अपनी आवाज़ फटी हुई आएगी, अपना गला बहुत जल्दी बैठ जाएगा, तो बहुत सारी समस्या को अपने को सामना करना पड़ता है। साउंड वाला भाई भी परेशान होता है, सिंगर भी परेशान होता है, तो इसलिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर काफ़ी वीडियो लाता रहता हूँ। ये बजट वाला माइक्रोफोन है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये नियर बाई 1400 रुपये का माइक्रोफोन है। अमेजॉन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यूज वाली बात हो गई, उसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है कि माइक्रोफोन के अंदर जो मतलब किट होती है वो भी कभी कभी क्या होती है कि ऐसी ख़राब हो जाती है। कभी क्या होता है हमारा माइक्रोफोन जैसे गिर जाता है, ये बात साउंड वालों के लिए, तो हमारा माइक्रोफोन जब गिर जाता है तो उसका किट मोस्टली डैमेज हो जाती है 2-3 बार गिरने से, तो हमको पता नहीं चलता। हम उस माइक्रोफोन को यूज़ करते रहते हैं, प्रोग्राम में लगाते रहते हैं, हम सिंगर को दे देते हैं, उसकी वजह से उसका गला खींचता है, तो ये सारी प्रॉब्लम एक साउंड वाले के साथ में होती है। सिंगर के साथ में क्या होती है, उसका गला बैठ जाता है, उसकी वॉइस कभी कभी फटी हुई आती है, क्योंकि हर चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात होती है। मैं इसी तरह साउंड के ऊपर वीडियो लाता हूँ। मैंने
माइक्रोफोन के ऊपर पहले वीडियो बनाया था, वायरलेस के ऊपर बनाया था, वायर्ड के ऊपर बना था, जिसके मैंने बताया कि हाई गेन का माइक्रोफोन है वो। ये भी मोस्टली सिमिलर हाई गेन का माइक्रोफोन है। उसके अलावा इसकी जो वॉइस है वो इसका जैसे HF है हाई फ्रिक्वेंसी, MF है मिड फ्रिक्वेंसी, LF है लो फ्रिक्वेंसी। तीनों मतलब इस माइक्रोफोन के एक प्रकार से देखा जाए तो अगर हम मिक्सर में सेट करें तो बराबर निकलती है। अगर हम चाहे सपोज हमारी आवाज़ बहुत मोटी है तो मैं चाहूँ तो अगर मिक्सर से इसका बेस बंद कर दूंगा माइक्रोफोन का तो, या एम्पलीफायर से बंद कर दूंगा तो ये माइक्रोफोन एक विदाउट जो गले में मेरे बहुत ज़्यादा बेस है तो उसको कम कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर इस माइक्रोफोन में बहुत ज़्यादा बेस है तो ये आपके काम में नहीं आएगा। तीनों फ्रीक्वेंसीज की मोस्टली बराबर। मैंने इसको लाइव प्रोग्राम में काफ़ी बार लगाया, मैंने इसको जागरण में लगाया, मैंने इसको सुंदरकांड में लगाया, मैंने इसको रामायण में लगाया, मैंने इसको कथा में लगाया। उसके अलावा मैंने इसको कराओके प्रोग्राम में भी लगाया, जैसे जहाँ पे कराओके सिंगिंग होती है, मेल सिंगर फीमेल सिंगर गाते हैं, वहाँ पे भी मैंने इस माइक्रोफोन को लगाया। तो आप कोई सिंगर हो तब भी आपके माइक्रोफोन काम आएगा, आपको सेपरेट पर्सनल माइक्रोफोन लेना बजट वाला तब भी ये आपके काम में आने वाला माइक्रोफोन है। तो बहुत सारे इसके यूज़ मैंने आपको बता दिए, और सबसे बड़ी बात इसकी फ्रीक्वेंसी आपके वॉइस के साथ में मैच हो जाएगी, आपका गला नहीं खींचेगा, आपके गले से फटी हुई आवाज़ नहीं आएगी। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने जो एक सिंगर को फेस करनी पड़ती है, एक साउंड वाले को फेस करनी पड़ती है, तो सारी समस्याओं का निवारण एक माइक्रोफोन कर सकता है, और वो भी बजट वाला माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन करीबन 10 से 15 हज़ार वाले माइक्रोफोन को भी टक्कर देता है। मेरे पास 15 हज़ार वाला भी माइक्रोफोन है, 10 हज़ार वाला भी है, 8 हज़ार वाला भी है। तो मैंने सबके साथ में इसको कंपेयर भी किया पर्सनली, मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा बट मैंने उनके साथ में कंपेयर भी किया तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग हम मिक्सर से या एम्पलीफायर से कर सकते हैं, ये ऑप्शन अपने साथ में एक अवेलेबल रहता है। तो ओवरऑल एक 1400 रुपये के बजट का माइक्रोफोन मैं कह रहा हूँ आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि अगर आप माइक्रोफोन की तलाश में निकलो और आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप काफ़ी कंपनियों का माइक लेके परेशान हो चुके हो, 2000-2500 का माइक्रोफोन ले लेते हो फिर भी आपको मज़ा नहीं आता, आप गेन ज़्यादा खोलते तो माइक विसल मारता है, साउंड वालों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, सिंगर फिर मुंह चढ़ाता है, बोलता है कि भैया आवाज़ सही नहीं आ रही, वो भी अपने जगह सही, अगर वो भी कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जिससे आपको संतुष्ट नहीं हो, आप सोच रहे हो ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, तो दोस्तों उसके पीछे कारण कोई ना कोई रहता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप हर जगह सेटअप करते हो, कभी क्लोज में करते हो, कभी ओपन में करते हो, कभी कोई बहुत ज़्यादा छोटे से घर के अंदर करते हो, या रूम में करते हो, या गली में करते हो, या छत पे करते हो, कहीं पे भी अपना सेटअप करते हो, तो काफ़ी बार एक ही माइक्रोफोन बहुत अच्छे वर्क नहीं कर पाता। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि सिंगर हर बार चेंज होते रहते हैं। आज सपोज आपका कोई बहुत ज़्यादा बेस वाला माइक्रोफोन है और आपने बहुत पतली आवाज़ वाले फीमेल को या मेल सिंगर को आपने माइक्रोफोन दे दिया तो वो उसके साथ में बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो आप सोचोगे मेरा ये माइक्रोफोन तो हमेशा अच्छा वर्क करता है, आज क्यों नहीं करा, आज मेरे साउंड में फटी हुई आवाज़ क्यों आ रही है, आज ज़्यादा खोलने पर विसल क्यों आ रही है, तो उसके पीछे रीज़न माइक्रोफोन का भी होता है। ये चीज़ आपको समझ में पड़ेगी कि आपको हर तरह के माइक्रोफोन रखने पड़ेंगे। मैंने काफ़ी माइक्रोफोन के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हो। आप सभी उन माइक्रोफोन को परचेज कीजिए, उनके लिंक जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बोलोगे, दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक फीफाइन K040 के ऊपर एक वीडियो डाला था मैंने, उस माइक्रोफोन को करीबन जब मैंने वीडियो डाला था उसके बाद में करीबन 70-80 लोगों ने उस माइक्रोफोन को विद इन 1 डे में परचेज कर लिया था, और उसके बाद में जैसे आज तो 2 महीने हो गए तो काफ़ी लोगों ने उसको माइक्रोफोन को परचेज किया, और सभी लोग मुझे कमेंट करके बाद में बोलते हैं कि सर आपने जो वायर्ड माइक्रोफोन बताया वो भी बहुत अच्छा है, वायरलेस बताया वो भी बहुत अच्छा है, बजट वाला माइक्रोफोन, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जैसे मैं आज साउंड सिस्टम का कार्य कर रहा हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम फेस होती है वो आपको नहीं हो। आप काफ़ी बार मुझे कमेंट करते हो कि सर हमें एक अच्छा माइक्रोफोन बताइए जो बजट वाला माइक्रोफोन हो, हम सिंगर हैं, हम साउंड वाले हैं, हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो सर दर्द करने लग जाता है साउंड को लेके माइक्रोफोन को लेके, तो दोस्तों मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वाले भाई के साथ में शेयर कीजिए, सिंगर के साथ में शेयर कीजिए, और इस माइक्रोफोन को अमेजन से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिंक मैंने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसकी यूज़ की, इसके माइक्रोफोन के बारे में शायद डिटेल्ड बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये माइक्रोफोन दोस्तों आपको सीरियसली मेरे ओपिनियन से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैंने माइक्रोफोन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया है। अगर मैंने भी ये माइक्रोफोन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। आपको काफ़ी बार पता है कि मैं मोस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे एम्पलीफायर है, मिक्सर है, माइक्रोफोन है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस माइक्रोफोन को मैंने अभी ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही लिया और आज ही वीडियो बना दिया, इस माइक्रोफोन को मुझे लिए हुए पूरे 2 से 2.5 महीने हो गए हैं। मैंने 2 से 2.5 महीने इस माइक्रोफोन को एक सुंदरकांड में भी लगाया है, जागरण में भी लगाया है, रामायण में भी लगाया है, कथा में भी लगाया है। उसके अलावा मैंने इसको तबले के ऊपर भी यूज़ करके देखा है। हाँ, तबले पे ऊपर ये चांटे के ऊपर थोड़ा बेस्ट रहता है, बेस इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो हमें गाने लगेगी। मोस्टली आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ओपन के अंदर, हॉल के अंदर, अगर आपको अच्छी सेटिंग करनी आती है। मैं तो कर लेता हूँ, अगर मैं पर्सनल मेरे रिव्यू की बात करूँ तो मैं तो इसको हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो ये वोकल माइक्रोफोन है तो वोकल माइक्रोफोन का यूज़ वोकल की जगह होना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। इंस्ट्रूमेंट की जगह आप इंस्ट्रूमेंट के माइक्रोफोन के साथ में जाइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाए काफ़ी बनाए हुए हैं। तो उस समय अपने को सोचने की जरूरत नहीं है ये तो वोकल माइक्रोफोन है, मैं इसका इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करूँ। बट कभी कभी अगर आपके पास माइक्रोफोन की कमी रहती है तो आप इसका यूज़ और भी इंस्ट्रूमेंट वाली जगह पर भी कर सकते हो। तो वोकल की जगह यूज़ तो मोस्टली आएगा ही आएगा, आपकी आवाज़ भारी है तब भी बेस्ट रहेगा, आपकी आवाज़ फटी हुई है तब भी बेस्ट रहेगा, आप अगर आपके पास बहुत पतली है
तब भी ये बेस्ट रहेगा। बस थोड़ा बहुत आपको मिक्सर से अपने स्पीकर पे सेटिंग एम्पलीफायर के ऊपर जो आपका इक्वलाइजर होता है वहाँ पे आप उसका थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा। माइक्रोफोन बहुत अच्छा आप लुक वाइज देख सकते हो, मैंने डेमो में भी आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको JBL का ब्रांड है और यहाँ पे आपको उसका ऑन ऑफ का स्विच भी देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके किट की बात करूँ तो किट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके, ये आप देख सकते हो, करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, किट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये JBL का ब्रांड टैग, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है और ये इसका नीचे का पार्ट है जहाँ पे अपने को केबल लगानी पड़ती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि देखो दोस्तों, इसके साथ में केबल नहीं आती। अब केबल नहीं आती तो वैसे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि केबल इसलिए भी नहीं आती क्योंकि कुछ जगह पर जैक पिन लगती है 1/4 वाली, उसके अलावा कुछ जगह पर आपकी मतलब 3.5 mm वाली भी जैक लगती है। काफ़ी लोग वैसे अपने कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ जगह आपको XLR मेल फीमेल वाली केबल यूज़ आती है, तो कंपनी शायद इसलिए नहीं देती होगी। और प्राइस के अनुसार सिर्फ माइक्रोफोन भी बेस्ट है। और बॉक्स भी मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम दिखाया था, काफ़ी अच्छा बॉक्स है ऑरेंज एंड वाइट के अंदर। तो केबल के लिए भी आप क्या करोगे, केबल के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो आप केबल भी वहाँ से अलग से परचेज कर लीजिए। जब आप माइक्रोफोन का ऑर्डर करो तो केबल का भी आप ऑर्डर कर लो। केबल आपको दो तरह के अंदर मिलेगी वहाँ पे, एक तो मिलेगी जैक पिन वाली। अगर आप जैक पिन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर आप देख रहे हो, अगर ऐसी जैक पिन है तो ऐसी जैक पिन वाला आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको XLR मेल फीमेल चाहिए अपने मिक्सर के लिए तो वो भी केबल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये भी दोनों भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। विदिन 4 से 6 डेज के अंदर आपको सब कुछ अपने घर बैठे मिल जाएगा और सारा सब कुछ 2000 के अंदर हो जाएगा। माइक्रोफोन भी हो जाएगा, अच्छी से अच्छी केबल भी हो जाएगी, जितनी लेंथ आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरा हमेशा एक उद्देश्य ही रहता है कि मैं आप सभी लोगों की मदद करता रहूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता रहा। तो मैं हूँ आपका दोस्त DJ संजय जोशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।